हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, जो कि एक कई सालों से ये केस चल रहा था हाई कोर्ट में, और इसमें एक जजमेंट भी दी गई थी बाय द ऑनरेबल जस्टिस अली मोहम्मद मागरे एंड जस्टिस विनोद चटर्जी कोल ऑन 29th ऑफ अप्रैल 2021, जिसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी गई थी हाई कोर्ट की तरफ से रिगार्डिंग द री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स। जो आप गाड़ियां बाहर से खरीद रहे हैं या आप खरीदने का प्रयास कर रहे हैं या आप खरीद चुके हैं बाहर से गाड़ियां, उनको उन गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक इश्यू बन गया था हमारे जम्मू कश्मीर में, और उसी को चलते जो है एक पिटिशन फाइल की गई थी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बाई अ पिटिशनर नेमली मिस्टर जहूर अहमद भट्ट, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके बाद जो है इस जजमेंट के बाद इसमें नॉन कंप्लायंस हुई ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने इस पे कंप्लाई नहीं किया, इसको जो इस कुछ इस जजमेंट में बताया गया था उसको कंप्लाई नहीं किया, उसको नहीं माना, जिसके चलते मिस्टर जहूर ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में जो पिछले कई सालों से चल रही थी। और ये कहा जा रहा है कि ऑन 3rd मई यानी इसी महीने के 3री तारीख को जो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये कंटेम्प्ट पिटीशन क्लोज कर दी गई है। सो जानते हैं मिस्टर जहूर से। मिस्टर जहूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर गिविंग यूर प्रीशियस टाइम। सो आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि 3rd मई को हाई कोर्ट की तरफ से वो कंटेम्प्ट पिटीशन जो आपने फाइल की थी हाई कोर्ट में उसको क्लोज कर दिया गया है। सो प्लीज टेल अस कि ऑन व्हाट बेसिस दिस कंटेम्प्ट पिटीशन हैज बीन क्लोज, प्लीज टेल अस। देखिए सर, जो जब जजमेंट आई थी उसके बाद जब नॉन कंप्लायंस हो रही थी, फिर ये रिपोर्ट नहीं हो रहा था। जब भी कोई किसी जजमेंट की नॉन कंप्लायंस, वी ऑल ऑफ नो कि उसमें फिर किसी न किसी को फिर भी आना होता है कोर्ट के सामने के कंटेम्प्ट करना। फिर हमने कंटेम्प्ट किया था जहूर अहमद भट्ट वर्सेज हृदेश कुमार एंड अदर्स। तो उस फिर ड्यूरिंग द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हमने एक गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो 6748 डीएल नंबर की थी गाड़ी, उसकी उसी पर हमने किया था कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। जनाब ये कोर्ट को बोला था कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे हैं और ये चेक्स मांग रहे। बाद में रजिस्ट्रेशन रुकाई भी गई थी। फाइनली जब कोर्ट ने कंटेम्प्ट में बहुत से बाद कंप्लेंट रिपोर्ट लाया गया, वो कोर्ट ने रिजेक्ट किया, तो 29th अप्रैल 2023 को उसी गाड़ी का, जो गाड़ी थी DL4CNB 6748, उसी की रजिस्ट्रेशन हो गई। पहले उन्होंने उसी की रजिस्ट्रेशन की और उसका नंबर JK04H4x5 उस गाड़ी का नंबर मिल गया और जजमेंट कंप्लाई हुई और 3rd मई को केस की सुनवाई हो गई। और हल्फन कोर्ट में बोला गया है कि जजमेंट की कंप्लेंस हो गई और हुई भी, तो जिसके नतीजे में कोर्ट ने फाइनली कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है क्लोज कर दी। वही तो कोर्ट ने लिखा, इट हैज बीन सबमिटेड एट द बार दैट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट डेटेड 29th अप्रैल 2021 हैज बीन कंप्लाइड विद बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड सच द कंटेम्प्ट पिटीशन हैज बिकम इनफ्रक्चुअस। तो इन द इन व्यू ऑफ एफओ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आर क्लोज्ड। सो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्लोज हो गई तो जजमेंट हैज बीन कंप्लाइड। दिस इज द न्यूज, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है तुम्हारे व्यूअर्स के लिए, लोगों के। नूर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस इंटरिम ऑर्डर में जो 3 मई का ऑर्डर है 2023, इसमें कहा गया है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हैज बीन क्लोज, क्योंकि इसमें जो रेस्पोंडेंट्स हैं, जो गामिट हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने 29th अप्रैल 2021 की जजमेंट को कंप्लाई कर दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुझसे स्पेसिफिकली जो है मुझे और मेरे ऑडियंस को बता दीजिए कि उस जजमेंट में, विच वॉज प्रोनाउंस बाय द ऑनरेबल जस्टिस अली मोहम्मद मागरे एंड जस्टिस वीसी कोल, उस जजमेंट में फ्यू लाइंस में मुझे बताइए कि उसमें क्या कुछ कहा गया था। उसमें दो चीजें थी उस जजमेंट में। एक तो आरटीओ कश्मीर ने जो सर्कुलर 27th मार्च 2021 को इजरा किया था, जिसके जरिए इस जो ये पोर्शन ऑफ कंट्री है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर जितने भी नॉन जम्मू एंड कश्मीर गाड़ी नंबर्स हैं उनको इलीगल गैर कानूनी करार दिया गया था और उनको बोला गया था 15 दिन में रजिस्टर कीजिए और फिर इनसे टैक्स लिया जाता था। तो कोर्ट ने वो ऑर्डर वाइड अबनिशो करार देते हुए काश किया था और कोर्ट ने यह भी बोला था कि अगर अब इनको रजिस्ट्रेशन करनी है 12 महीनों के बाद, अगर ये रख सकते हैं अंडर 47 सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, तो उनसे आप दोबारा लाइफ टाइम टैक्स नहीं ले सकते। पहला पार्ट उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, अब देखते थे गाड़ियों को फिर कोई नहीं सीजर उनका जो है वो स्टॉप हुआ था। लेकिन रही बात रजिस्ट्रेशन की, फिर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रही थी बिकॉज टैक्स की लड़ाई चल रही थी। अब
एक गाड़ी ली गई जो हम बोलेंगे पायलट प्रोजेक्ट जो कंटेम्प्ट में हमने जिसकी एग्जांपल दी जिस पर केस बन गया कंटेम्प्ट केस, उसी गाड़ी की अब रजिस्ट्रेशन हो गई। रजिस्ट्रेशन जब हो गई और नंबर भी मिला जेके नंबर और कोई जो टोकन टैक्स नहीं लिया गया उस गाड़ी का, मैं फिर से बोलूंगा DL4CNP 6748 गाड़ी थी जो जिसकी जिक्र कंटेम्प्ट पिटीशन में जिक्र की गई वक्तन फवक्तन हमने की थी और उसकी फाइल पेंडिंग थी और उसी का अब आज के डेट में नंबर है JK04H5555। तो इसी पर कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने कंटेम्प्ट क्लोज किया। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि डिपार्टमेंट ने भी अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की है एक दिन पहले। जहूर साहब, मैं आपसे बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में बाहर से गाड़ियां खरीद चुके हैं, डिफरेंट स्टेट से, दिल्ली से, पंजाब से, यूपी से, हरियाणा से जो है गाड़ियां खरीद चुके हैं और बहुत सारे लोग इस इंतजार में थे कि हाई कोर्ट की तरफ से कब फैसला सुनाया जाएगा ताकि, और मैं सिर्फ पर्सनल नहीं कहूंगा बल्कि बहुत सारे कमर्शियल पर्सन जो है, कमर्शियल गाड़ियां भी जो है इसमें बहुत सारी आती हैं और वो तमाम लोग इस जजमेंट का वेट कर रहे थे, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट फैसला देगा और फिर वो जो है अकॉर्डिंगली उस पर प्रोसीड करेंगे। क्या कुछ मैसेज देना, मैसेज जो है आपकी तरफ से उन तमाम लोगों के लिए रहेगा? पहली बात, थैंक्स टू ऑनरेबल कोर्ट, ऑलवेज ऑनरेबल कोर्ट। जब लोगों के राइट्स वायलेट होते हैं, जुडिशियरी इज द लास्ट लास्ट होप एंड वी ऑलवेज बिलीव इन द लॉ ऑफ द लैंड एंड द लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल्ड, बट साइमल्टेनियसली वी आर थैंकफुल टू कंसर्नड ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट जो है कहते हैं ना गुड सेंस प्रिवेल्ड इफ बेटर टू लेट देन नेवर, कि कोर्ट कोरिसिव मेथड्स करता तो जजमेंट कंप्लाई हो गई, तो ये अच्छी बात है एट द एंड ऑफ द डे। उनके लिए मैसेज है, दे शुड गो टू जो अपने आरटीओ ऑफिस है वहां जाइए, अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिकॉज नाउ इट हैज बीन स्टार्टेड एंड देयर इज नो पेंडिंग केस। क्योंकि मुझे फोन आते थे, लोग बोलते थे सर जी ये केस कब लगा है, कुछ लोग ये भी पूछते थे सर हम इसको क्या ये इस केस में हमारे फेवर में जजमेंट आएगी, ये ऑलरेडी डिसाइड हुआ था 29 अप्रैल 2021 को। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, थैंक गॉड 2 साल हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जजमेंट को इंप्लीमेंट करने में लग गया। हमें ये भी लगता है तब भी बहुत कम टाइम है, अगर वैसे इंग्लैंड और अमेरिका की बात करेंगे तो दिस इज एन आयरनी। एनीवे लेकिन जज ऑलरेडी केस जीता था, अब कंटेम्प्ट चल रहा था, उनको बोला गया था, बोलते थे लोग कि वहां पर केस है हाई कोर्ट में, पहले वो होना चाहिए। नाउ देयर इज नो पेंडिंग केस, केस इज क्लोज्ड, इट इज नॉर्मल सी, दे शुड गो एंड गेट देयर ऑलरेडी वीकलीज रेस्ट। Thank you so much for giving your precious time and speaking with us. Thank you so much. तो मैं आपको फिर से जो है, आप अभी सभी ऑडियंस को फिर से बताऊं कि ये फैसला जो है साल 2021 में ही सुनाया गया था। ये कहा गया था कि अगर आप बाहर से गाड़ियां खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं या खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो उस गाड़ी को आप जम्मू कश्मीर में 12 महीने तक चला सकते हैं। 12 महीने के बाद उस गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन करना जो है मैंडेटरी है जम्मू कश्मीर में। अब इशू इसमें री रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर जुड़ा था, उस पर भी जो है हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि यू हैव नो नीड, आपको दोबारा से जो है उस गाड़ी की फी सबमिट नहीं करनी है वाइल री रजिस्ट्रेशन, अगर उस गाड़ी का टोकन टैक्स, लाइफ टोकन टैक्स जो है बाय द एक्चुअल ओनर पे जो है किया जा चुका है। तो इस जजमेंट को जो है इंप्लीमेंट करने में 2 साल लगे और जहूद साहब ने इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल की है जो है। तो उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है जो इसमें इंतजार में थे कि हाईकोर्ट की तरफ से कब फैसला आएगा। फैसला आ चुका है, 3 मई को इसमें फैसला सुनाया गया है जिसमें सरकार ने इस बात को एडमिट किया है कि वो जो है 29 अप्रैल 2021 की जजमेंट को जो है कंप्लाई कर चुके हैं। तो अब आप सभी लोग जो है वहां पे आप अपने अपने कंसर्न्ड आरटीओ ऑफिसेज में जा सकते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है इनिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू जहूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड जॉइनिंग विद अस। थैंक यू।